हेलो पिला माने आसिसिन एजुकेशन यूट्यूब चैनल तुम मान को स्वागत। तो पिला माने जेउ माने हमरो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएबीएड रो एंट्रेंस दिसलो सेही पिला मानको पई पिला माने एको वीडियो टी आपन मानकर जे उत्कल यूनिवर्सिटी तुम माने जेउ एंट्रेंस एग्जाम देथिलो तार आपन मानको मु क्वेश्चंस रो आंसर उडी को जणै देउथिलि पिला माने जेउ क्वेश्चंस आपन मानकर थिला। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 केम करिके तुम आंसर जणै देउथिलि। तो पार्ट 1 पार्ट 2 एवं पार्ट 3 मु ऑलरेडी कंप्लीट कर देछि पिला माने। आजरो वीडियो होछि आपन मानकर पार्ट 4। तो पिला माने पार्ट 1 रे मु केतोटी क्वेश्चन 11 पर्यंत देन पार्ट 2 रे 22 पर्यंत देन पार्ट 3 रे मु आपन मानकर 35 पर्यंत क्वेश्चन कवर कर देथिली। आज आमे ट्राई करिबा पिल माने 36 रु 50 पर्यंत कंप्लीट करिया पय ट्राई करिबा। ओके सो वर्तमान देखिबा आमे पार्ट 4 रे मु आपन मानकु 36 रु पिल माने स्टार्ट करिबी। ता पूर्व रु पिल माने जदि आपन माने एजे आमे चैनल को सब्सक्राइब करना देन सब्सक्राइब करी बेल आइकन रे क्लिक कर देबे। ता सते पिल माने तमार समस्त डाउट क्लियर करिया पय मु तोमानक पय आशीष कुमार ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल ले लाइव क्लासेस नहीं आसता है। जो तुम मैंने सही चैनल को सब्सक्राइब करना सही चैनल लो लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी तो मैंने सही चैनल को सब्सक्राइब कर पार। तो वर्तमान पिला मैंने देखा नंबर 36 रु ओके 35 पर्यंत आम कंप्लीट होता है। जो तुम मैंने से वीडियो देखी ना पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देन तीन जाक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलजो तुम मैंने देखिपार। ओके सो कम टू नंबर 36 से क्वेश्चन कौन देखिए देख दो वेरिएबल्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो पिला माने जो वेरिएबलटा आम न्यूमेरिकल टर्म रे आसे ताको कौन कह जाए ना पिला माने न्यूमेरिकल वेरिएबल एवं न्यूमेरिकल वेरिएबल रो अन्य नाम कौन जेहेतु ये गोटे क्वांटिटी को बुझाऊँ तो यार नेम कौन हम ना क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो नंबर 36 कौन हम ना ऑप्शन ए पिला माने। ओके एबे आमे जीवा 37 क्वेश्चन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो क्योंटा आमर गोटे सेकेंडरी डाटा गवर्नमेंट पब्लिकेशन पब्लिकेशन इंडिपेंडेंट रिसर्चर रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल ऑफ द एबव। तो पे यहाँ तुम आंसर हम कौन ना पे ऑल ऑफ द एबव तो ऑप्शन डी। ओके तो ये तीन जाक आम सेकेंडरी डाटा अंडर जाऊँगी। देन क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। गोटे ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या कहवा जार जॉब सिक्योरिटी थी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स थी फिक्स्ड वर्किंग आवर्स थी किंतु रेगुलर पेमेंट थी बट ये पे कौन देना इरेगुलर पेमेंट यहाँ के आम ऑर्गेनाइज सेक्टर गोटे फीचर हो पार ना। तो तुम आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी पे बुझेगा। तापर देखिए देख IBRD इज ए अनादर नेम ऑफ फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो आमर IBRD क्या आम कही पार। तो पे IBRD फुल फॉर्म कौन ना इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड आपर कौन ना डेवलपमेंट। तो आम क्या कही पार ना वर्ल्ड बैंक पे वर्ल्ड बैंक को IBRD कहुई था बुझिपार। तो ये आंसर कौन हो पाने 39 आंसर ऑप्शन सी बुझिपारापर एवं जी 40 क्वेश्चन को से देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट। तो पे देख तुम ऑप्शन गुड़ कौन देखिए टैक्स इनकम डिवाइडेंड ग्रांट नॉन टैक्स इनकम। तो पे तुम कन्फ्यूज हेनी देख ये कन्फ्यूज कौन थाए देख से कौन कही टैक्स इनकम तुम जिते बड़े गोटे रेवेन्यू विषय में कथ हो पाने। तो रेवेन्यूटे आम कौन दी प्रकार गोटे आम टैक्स आ गए हूँ नॉन टैक्स रेवेन्यू गोटे टैक्स रेवेन्यू गोटे नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये दुईटा कथ आम जीव आम से कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट किए रेवेन्यू रिसीप्ट नुहे। तापर देखिबो तुम ग्रांटा आम डायरेक्टली रेवेन्यू रिसीप्ट अंडर जापर जो डिवाइडेंड कौ आम इंटरेस्ट हो डिवाइडेंड हो युवा क्या अंडर जाए नॉन टैक्स रेवेन्यू अंडर जा। तो तुम कहो कमी आंसर हम तो पे डायरेक्टली तुम कौ तीनटा हूँ देख टैक्स इनकम नॉन टैक्स इनकम तापर आम ग्रांट बट तुम डिवाइडेंटा कौन होना पे नॉन टैक्स इनकम अंडर में आसूस। तो तुम ये डायरेक्टली आंसर कौन लिखिपार ना पे डिवाइडेंट बट जब तुम डायरेक्टली अगर कौन तो डायरेक्टली लिखाई थी कि आम डिवाइडेंट तुम जब गूगल भी सर्च कर अलग आड़े भी सर्च कर डिवाइडेंट को पाइब तार कौन ना रेवेन्यू रिसीप्ट पाइब बट सर जब आम डायरेक्टली देखा आम नॉन टैक्स टैक्स एम ग्रांटा हो पार बुझेगा। तो आंसर कौन हो ना डिवाइडेंट ऑप्शन बी पे बुझेगा। एबे आमे जीवा नेक्स्ट नंबर 41 को 41 कही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर हुए रे सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। तो पे गोटे लार्ज एरिया रे आमर जिते बड़े गोटे सिंगल क्रॉप गोटे लार्ज एरिया मैंने कौन पाई आम बिजनेस पर्पज रे करिबा जोड़ा कह जाए कौन प्लांटेशन फार्मिंग बुझेगा। तो देखीदे आम ऑप्शन कौन कौन ऑप्शन देखिए पे देख शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो आम आंसर कौन हो पाने प्लांटेशन फार्मिंग कहती तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर बुझेगा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसगला आलुमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम आलुमिनियम केउठा रही जाए पे तुम छोटे क्लास 10th रे पढ़ी थोड़ा तुम्हारा आलुमिनियम कौटू होना बॉक्साइट। तो यार आंसर पे कौन ना बॉक्साइट। तापर आसगला द नर्मदा बचाओ आंदोलन इज एसोसिएटेड विथ
ହ୍ୱିଚ୍ ଡ୍ୟାମ୍? ତ ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆମର କେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ? ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ୍, ତେହେରୀ ଡ୍ୟାମ୍, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍? ତ ଆମର ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ୍ ସହିତ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଠି ତୁମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 43ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ ଆସିଗଲା 44, ଦ ଆଲୁଭିଆଲ ସଏଲ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ। ତ ଆଲୁଭିଆଲ ସଏଲଟା କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ପିଲାମାନେ? ତୁମର ସ୍ୟାଣ୍ଡ, ସିଲ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲେ, ଏଇ ତିନିଟି ଯାକୁ ନେଇକି ତୁମର ଆଲୁଭିଆଲ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତ ତୁମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଅଲ୍ ଦ ଏବଭ୍, ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 45 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। 45 କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ଇନ୍ ପଞ୍ଜାବ। ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବରେ କେଉଁଟା ମେନ୍ କଜ୍? ପିଲାମାନେ କିଛି କିଛି ପ୍ଲେସ୍ରେ ତୁମେ କହିବ କି ଓଭର ଗ୍ରେଜିଂ। ଓଭର ଗ୍ରେଜିଂ ମାନେ କ'ଣ? ଗ୍ରେଜିଂ ମାନେ ଆମର ଚରେଇବା, ଗାଈ ଚରେଇବା। ତ ଅଧିକ ମାନେ ଆମର କ୍ୟାଟେଲ ଚରେଇବା, ସେମାନେ ଅଧିକ ଘାସ ଖାଇଦେବେ, ତା କଜରୁ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ମାନେ କ'ଣ? ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେବା। କିନ୍ତୁ ତୁମର ପଞ୍ଜାବରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଓଭର ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ ତୁମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ତୁମର ଏଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ 45 ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ସି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ 46କୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଅଣ୍ଡର ପପୁଲେସନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ତ ଏଇଟା ତୁମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ? ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପପୁଲେସନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ କେଉଁଟା ପଢ଼ିବା ନାହିଁ ଆମେ? ତ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ତ ଆମର ଅଛି ପପୁଲେସନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପଢ଼ିବାଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର? ପଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ନାହିଁ। ତ ତୁମର ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? 46 ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 47, ହୁ କଏନ୍ ଦ ଟର୍ମ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ ଜିଓଗ୍ରାଫି କିଏ ଟର୍ମ କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ? ତ ତୁମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛ ଆମର ବଟନିର ଫାଦର, ଦେନ୍ ଫିଜିକ୍ସର ଫାଦର ହେଉ ବା ସାଇନ୍ସର ଫାଦର ହେଉ ବା ଆମର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଫାଦର ହେଉ, ଏମିତି ସବୁ ଜାଣିଛ। ତ ସେମିତି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଟର୍ମଟି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଏ କଏନ୍ କରିଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ? ଆମର ଇରାଟୋସ୍ଥେନେସ୍, ଓକେ। ତ ଆମର 47ର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା। ଆମର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଠି ତୁମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଇରାଟୋସ୍ଥେନେସ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 48, ହ୍ୱିଚ୍ ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଫର୍ ଭାରିୟସ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଯେଉଁଠି ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପାଇଁ। କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ନା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ବି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ବିଟୁଇନ୍, ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର କେତେ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆମର ଲୋକେଟେଡ୍ ରହୁଛି? ତୁମେ ଏଇ ଆନ୍ସର୍ଟି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୁକ୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ପାଇବ। କୌଣସିଟି ତ ସେମିତି କେତେରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ପରଫେକ୍ଟଲି କୌଣସି ଲେଖିନଥିବ, ହେଲା। ଯେତିକି ବି ପରଫେକ୍ଟ ଲେଖିଥିବ ତୁମ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନଥିବ। ତ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମର ଥାଏ 48 କିଲୋମିଟରରୁ ଆମର 450 ପାଖାପାଖି ଏମିତି ଥିବ। ତାପରେ ଆମର 500 ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିୟର ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ହେବ। ତ ଆମେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିପାରିବା ପିଲାମାନେ? 40 କିଲୋମିଟର ଟୁ 400 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିପାରିବା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା। କ'ଣ କହିଲି? ଆମର 49ରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଅପସନ୍ ସି, 40 କିଲୋମିଟର ଟୁ 400 କିଲୋମିଟର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଫାଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ସେନ୍ସସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସସ୍ ୱାଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଏଟା ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମ ତୁମର ଇକୋନୋମିକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଇଟା ତୁମର କେବେ ହେଇଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ୟା ଫିର୍ ବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ତୁମର ଏଇଟା 1872ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ସେନ୍ସସ୍, ପପୁଲେସନ୍ ଶାସନ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ସେନ୍ସସ୍ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ 1872ରେ। ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସସ୍ଟା କେବେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା 1881ରେ। ତ ଦେଖ 1872 ଆଉ 1881 କେଉଁଥିରେ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ବିରେ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନମ୍ବର 50ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଗଲା। ତ 50 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 51-70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଥରେ 20 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କଭର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ ସେଟା ଆମର ପାର୍ଟ 5ରେ ଆସିଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ସର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ନେଉଛି ମୁଁ ଆଶିଷ, ଧନ୍ୟବାଦ।